वेलकम टू प्रीति तन्मय ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बाबा मोरनाम की कृपा आप सब पे बनी रहे। अब हम चल दिए शाम के टाइम घूमने के लिए इवनिंग वॉक पे। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो ताई, मैं और शिवानी कायरा साथ में हैं, चल के। हेलो, ठीक है? पिंकर ने हम तो भरती है मंगल बाजार चलते तो हम भी गोल गप्पे खाते। और सुना, अच्छा तू लोई लेके आई है? शिवानी कहाँ उनका मंदिर ऑन रोड दिखेगा अंदर है? तो ये हमारा बंद रोड, यहाँ पे देखो अशोका के कितने बड़े बड़े पेड़ है, दिखाते आपको। देखो तरफ हरियाली है ना, इस तरफ हरियाली है। अभी वो मोटिन का छपरा रखा है। ताई, कभी बंद पे कुछ भी ना होया, और कितनी बस आपत होगी। फैक्ट्री ले निरे घर। हाँ ताई, हाँ क्यों डर लगता होएगा? कोई भी ना है, मौसी के है ना ताई? और अब तो किसी टाइम आ जाओ यहाँ पे। हाँ, अब देख लो कितनी बस आपत होगी। किसी टाइम आओ जाओ, ऐसी कॉलोनी और कट गई अब तो। दिया वो कह रहे दरअसल हाँ, जो भूत प्रेत भी है तालाब में। नहीं, तालाब तो यूं हो और यहाँ भी तो है कुछ पानी सा। ओ, यहाँ तो बहुत गहरा है। भाई, हम एक दिन शिवलिंग पे गए, यहाँ पे भी पता हो जो एक माता रानी यहाँ बन रही है वे कहाँ मंदिर उनका हो या यहाँ पर? हम भी जाना चाह कई दिन। दारू की बोतल देखे नो कह रहा अपनी औखन में शर्म चाहिए, काई और को कहा शर्म है। ये देखे वो बिल्कुल खा लिए। अच्छा, वहाँ के लिए वे तो सैनिक कॉलोनी बता रही। यहाँ भी देख कितने घर घर बन गए। ए या गली में शायद। हाँ, यूरी ना सैनिक कल। हाँ, ये है वो है, देख इस पर भी लिख रहा हूँ सैनिक कॉलोनी, इसलिए कह रही लिख रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा अंदर है। पता ना ताई, चलो 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 चलो। अच्छा, इस वाली गली में हूँ। हाँ, कितनी भीड़ आज। तो ये है मंडी बाजार जो हमारे सोलह गांव में ही लगता है। यहाँ अक्सर हमारे यहाँ के गोलगप्पे खाने आते हैं सब, और छोले भटूरे। यहाँ भी सरोजनी नगर का माल आवे। बाजार में तो भीड़ होगी।
और बड़े हैं, बड़े बड़े ये देखो, ये देखो रणजीत भाई यार की लड़की लंबाई ठीक है लेकिन चौड़ाई में होना चाहिए थोड़ा, बेसिक स्टेज वाले फिर खिंचा खिंचा हो जाता है कपड़ा, साइज का भी तो होना चाहिए। देखो तो आप यहाँ भी बैठो ही तुम ये रे ना प्लाजो सही कौन सा कलर अच्छा लगेगा दीदी यहाँ पे रेड कलर खावे गर्मी में सही लग रहा बेटा। हाँ ताई ये चल रही है, अब लड़की नहीं पहने जाता। कह रहा हूँ यू कलर ज्यादा अच्छा है। कौन सी वाली 50 आते आते इतना टाइम होगा, जूस पी ले। करी ना पंडित जी ने कथा, उसके बाद फिर हमारे से उठ के कलश इनके गए, तो अब ये फिर उनसे ही करा रहे हैं। वे पंडित जी है जो हमारा है। उनका राज है बताई, अनीता बुआ वे सब सही बोलती चले ही भाई, बहुत आदत की बहुत अच्छी है। मैं तो पहले जाने नहीं, मैं तो आंटी के है भाई, फिर बाद में बताई बेटा मैं बास की लौंडिया हूँ। तो आई ताई कह रही चल बाजार घूम के आएंगे, नहीं तो हमारा कोई प्लान नहीं था बाजार जाने का। छोले भटूरे हम तो जलाई थे। ओ सही बात है, पापा बीड़ी जला के दे रहे थे हमें दुनिया जलाने को। ले जाओ तो भाई हम आ चुके हैं शॉपिंग करके, आज हमारी ताई लेगी हमें, और लेके ताई ऐसे टाइम पे गए जिस दिन हम खा नहीं सकते। ताई जब सावन पूरा हो जाएगा जब चलेंगे, ठीक है स्पेशल छोले भटूरे खाने। अच्छी जगह चलिए, जब सावन खत्म हो जाएंगे ना होटल चलेंगे। होटल चलेंगे, सुन लो अपने देवते की, होटल चलेंगे बेटा अच्छे से। अच्छा सॉरी बहन सॉरी, देखो मॉडल आई है मम्मा अच्छा लग रहा तो नानी टॉप अच्छा लग रहा है। बहुत बुरी चीज हो रही है मैंने आप सबको दिखाया, अभी हम मंडी मार्केट गए थे और उससे पहले आपको फर्स्ट में कैप्चर जो दिखाया, आज बंदर आया, मैं रोटी बना रही थी और आके ईंट गिरा दी उसने, और सच में ही आग से मेरे सिर पे लगती चोट और मेरे काग में लगते ही मेरे
मुझ में नहीं रहता कुछ भी, ठीक है भाई चुप रह। और इतनी बुरी तरह उसने सारी ईट वीट बिखेर दी, सारी प्लेट आटा वाटा घी भी सब ऐसी बिखर गया। तो नहीं लगी, नहीं लगी, बस बची गई। पता नहीं वो ईट कैसे परात में गिर गई। अब हम सच में ही अपना चूल्हा यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ से हटाने के बाद थोड़ा आगे पीछे करेंगे, क्योंकि दीवार के बिल्कुल टच में चूल्हा, टच से फिर इधर बैठना पड़ता है। जैसे ईंट गिरी मेरे यहाँ आके, ताई भी कह रही थी कि बस किसी तरीके से लौंडिया बच गई जो इसके लग जाती ना, क्योंकि ईंट लगती है और सिर फूट के यहाँ लगने के बाद में चोट कुछ नहीं रहता फिर, क्योंकि आपको पता है यहाँ कहाँ आ गए। और बड़ी वो ही चीज़ तो बोल रही हूँ कि अगर ईंट लगती और काग पे लगती तो कुछ नहीं रहता। और मम्मी भी, ताई भी, शिवानी भी कह रही तेरे लगी बिखर जाना, 1 किलो घी सारा का सारा ऐसे ही बिखर गया, सच में सारा घी ऐसे ही बर्बाद होगा। और मैं तो अपने लिए रोटी बना रही, पराठे एकदम आए, बंदर जाते रहे वह हमारे यहाँ से पराठे खा लिए कुछ नहीं। आपने खा लिए हो जाता तो फिर बिन मम्मी के हो जाते, इतना परेशान करते हो ना मम्मी। आपने खा लिए पराठे, पराठे खा लिए? हाँ मम्मा देखो तैयारी है तब पल। बहुत परेशान करता है ना दस तो मुझे, और फिर मत करता ठीक है, फिर तो मम्मी नहीं रहती। अच्छा लगा कुछ ना मन में ही चप्पल, फिर हमने जूस ही पिया एक एक ग्लास, हमें तो नहीं चप्पल चूड़ी 50 रुपए दर्जन महंगी दे रहा हूँ। ये क्या हो गया, मरती मरती बची मेरी बहन तो, सही रहे तो ना मर जाती तो, है ना। भैया की टूट गई ना इसलिए लेके आई हूँ। मम्मा पर मुझे वो आनी चाहिए, वो किसी को देगा, वो किसी को देगा। व्हाइट थी, मैं व्हाइट लेके नहीं आई, बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन तुम बहुत गंदी हो जाती है, गंदी हो जा। मैं एक गिलास पानी लेके आऊं, मम्मी पार्टी में मेरी चप्पल है, मम्मा में मेरी चप्पल है, मैं इसे धोऊंगा। जैसे ही घी बिखरा सारी परात में, चूल्हे तक सारा पह पे क्या कर, मेरे पूरे हाथ साफ हो गए, इतनी चिकनाई मेरे सारे हाथ पे, मेरे यहाँ भी घी गिर गए मेरे। सच में और कोई और मरता तो मेरा कुछ नहीं बोलता। ऐसा क्यों बोल रहे हो, बाधित तो नहीं है ना? कोई ना बंद कर, भगवान की शिक्षा ठीक ठाक अपने घर बनी रहे, क्योंकि होने का दर्द क्या हो वो हम बहुत अच्छे से जाना। और सच में सोच ना है, और इतनी तेज गिरी ईंट प्लेट के देखे, पति मुड़ गई प्लेट, बहुत वो हो गई। विक्की अभी आया ना 9:30 बजे तक, तो विक्की गया हुआ है हरिद्वार और अभी आया नहीं, आने ही वाला है। जब रुड़की से निकला आया वो, जब मैंने फोन करा कह रहा मैं रुड़की आ,
मैंने पूछी मैंने कितने बजे तक आएगा, कितना टाइम हो रहा, पूछे नौ साढ़े नौ बजे को ग्यारह भी मुझे थोड़े से गाजर गिरवा के लाइयो अपने लिए, ज्यादा गर्म भी नहीं, ज्यादा मत करे, एक चमचे कई बाद में